हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताऊंगी कि लड़की को अपना प्यार कैसे जताएं कि उसे भी आपसे प्यार हो जाए। तो अगर आप किसी लड़की को पसंद करते हो, आप अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं उस लड़की को बताने से डरते हो, ये सोच के कि कहीं वो आपको रिजेक्ट ना कर दे। तो आज के इस वीडियो में आपको उसी के बारे में बताऊंगी कि आपको कैसे काम करने चाहिए अपने प्यार को जताने के लिए, अपनी भावनाएं उस लड़की को बताने के लिए कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो, जिससे उसकी फीलिंग, उसकी भावनाएं भी आपके लिए बदल जाए और उसे भी आपसे प्यार हो जाए। हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरे ब्लॉग वीडियो देखने हैं तो प्लीज मेरा ब्लॉग चैनल भी चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अच्छा लगे तो प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप चाहते हो ना कि उसे भी आपसे प्यार हो जाए, तो उसकी इंटेंशन को आप सबसे पहले तो बदलने की कोशिश करो, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको उस लड़की की नज़रों से फ्रेंड लिस्ट के बाहर होना है। कि मान लो कि उसने आपको फ्रेंड जोन कर रखा है, ठीक है, वो सिर्फ आपको दोस्त समझते हैं, तो आप फ्रेंड जोन से बाहर कैसे हटोगे। बाहर हटने का सबसे एक तरीका यही है कि आप जो उसके मेल फ्रेंड हैं, जो लड़के उसके दोस्त हैं, उनसे हटकर काम करो, अलग काम करो। जैसे कि मान लो कि वो लड़के उसकी तारीफ नॉर्मली कर देते हैं कि यार तुम्हारा हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है, या कभी कभार तारीफ करते ही नहीं है, तो आप फ्लर्ट का सहारा ले सकते हो उसकी तारीफ करने के लिए, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो, जिससे आप ना उन लड़कों से अलग दिखो, ठीक है। तो जब आप उन लड़कों को खुद ऑब्जर्व करोगे कि वो उसके साथ कैसा काम करते हैं और इस वजह से उसने आपको उन लड़कों को फ्रेंड जोन कर रखा है, तो आपको वैसे काम बिल्कुल भी नहीं करने हैं, ताकि जिससे आप फ्रेंड जोन से बाहर हो सको, ठीक है। वो आपके बारे में कुछ अलग सोचे, आपको फ्रेंड की नज़र से ना देखे, ठीक है, उसकी सोच, उसकी थिंकिंग आपके लिए बदलने लगे, ठीक है। इसके अलावा दूसरा काम है कि लड़की को अपना प्यार जताने के लिए आप उसे ऐसी चीज़ें भी गिफ्ट कर सकते हो, या अगर चैटिंग की बात होती है, मैसेज के ज़रिए बातचीत होती है, तो जो लव इमोजीज वगैरह होते हैं उनकी मदद लो, वो आप सेंड करो चैटिंग के बीच बीच में, ठीक है। कहीं ना कहीं देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब हम डायरेक्ट किसी इंसान से बात करते हैं ना, तो डायरेक्ट हम अपनी मन की फीलिंग्स से, भावनाएं, कई बार बातों से बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको देखकर जो भी हम फील कर रहे होते हैं, वो देने, मतलब जिसे हम देते हैं ना कहीं वो समझ जाता है कि यार इसने ये चीज़ क्यों दी है, ठीक है। तो जब आप लड़की को लव इमोजीज टेक्स्ट या मैसेज के ज़रिए सेंड करोगे ना, तो कहीं ना कहीं उसको आपकी इंटेंशन समझ आने लगेगी, जिससे क्या होगा कि वो भी आपको कहीं ना कहीं उसी नज़र से देखेगी, आपके बारे में उस तरह से सोचेगी, तो मे बी चांस है कि उसे भी धीरे धीरे आपसे प्यार होने लगे। ये चीज़ एकदम से नहीं होगी कि आपने लव इमोजीज भेजा और उसे आपसे प्यार हो गया, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, बस हो सकता है कि उसे भी आपसे प्यार हो जाए। इसके अलावा तीसरा काम है कि जब आप उसके साथ होते हो, तो आप उसको थोड़ा सा केयरिंग बिहेवियर दिखाने की कोशिश करो, कि आप उसकी फिक्र करते हो, आपको उसकी परवाह है, ठीक है। तो इसके लिए आप वैसे बातें करो, ठीक है, लाइक आप कहीं बाहर जा रहे हो तो वो भी साथ में है, तो थोड़ा सा सपोर्टिव नेचर दिखा सकते हो, अपना केयरिंग नेचर दिखाओ, कि रोड पर जा रहे हो तो उसको रोड साइड में रखकर, मतलब हमेशा लोग क्या है, लेफ्ट में चलते हैं ना, तो आप अपनी लेफ्ट हैंड की तरफ उसको साइड में करके चलो, ठीक है, फुटपाथ पे जब जाते हो, तो इससे लगेगा कि हाँ भाई आप उसकी केयर करते हो। जो छोटे छोटे जो काम होते हैं लड़कियों को अच्छे लगते हैं, और जब आप इन छोटे छोटे कामों को करना पसंद करने लगोगे ना, तो आप और लड़कों से अलग दिखोगे, जिससे उसकी फीलिंग्स बदलने में काफ़ी मदद हो सकती है, ठीक है। या वो लड़की आपके साथ कहीं बाहर गई है, बैठी हुई है, ठीक है, तो आप वैसी बातें करो, ठीक है, उसके वो ऐसे काम कर सकते हो, जैसे बहुत से ऐसे लड़के होते हैं जो गेट खोल देते हैं, लड़की बाहर जा रही है, ठीक है, एंट्री कर रही है, तो गेट खोलना, चेयर पुश करना, इस तरीके के काम कर दे, तो ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, इनसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है किसी लड़की की सोच, थिंकिंग आपके लिए बदलने में, ठीक है। तो इन चीज़ों से लड़की को लगता है कि एक तो आप उसकी रिस्पेक्ट भी कर रहे हो, और दूसरा आप उसकी केयर भी कर रहे हो। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।